जय हिंद दोस्तों, ये है हमारा कूलर जो विंडो पे लटका हुआ है। इसमें समस्या ये होती है कि इस पे धूप पड़ती है तो पानी गर्म हो जाता है और ठंडी हवा इससे नहीं मिल पाती है। तो इसके लिए हम आपको बताएंगे सिंपल सा निंजा टेक्निक। ये रहा हमारा कूलर, ये ऑटोमेटिक वाल्व, और इसका वीडियो भी है मेरे पास, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप देख लेंगे। ये रहा पंप। तो ठंडी हवा के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको चाहिए एक पुराना मटका। तो उस मटके में ऐसा ड्रिल मशीन से छेद कर लेंगे, ड्रिल मशीन नहीं होगा तो आप कोशिश करेंगे छोटा छोटा कील से 4-5 छेद कर लेंगे। अब इस मटके को हम रख लेंगे कूलर के अंदर। ये मैंने तिरछा इसको इसलिए रखा है क्योंकि ये सीधा नहीं रखा रहा था। अब पंप को इसके अंदर डाल लेंगे। इससे एक फ़ायदा ये है कि पंप में कचरा नहीं फंसेगा, जो खस और जो डस्ट रहता है वो अंदर नहीं घुसेगा। आप चाहें तो मटके से बाहर नीम के बहुत सारे पत्ते भी डाल सकते हैं, इससे मच्छर जो है वो अंदर नहीं पनपेंगे। तो चलिए अब इस पे पानी भर के देखते हैं। ये मटका मैंने दोनों कूलर में लगाया है। मटके का एक और फ़ायदा ये होता है कि पंप और टंकी के बीच में कांटेक्ट नहीं रह पाता, इसलिए टंकी पे जंग नहीं लगता है। कई बार ऐसा होता है कि पंप की वजह से टंकी के सरफेस में जंग लगता है और वहाँ पे छोटे छोटे छेद हो जाते हैं। तो ये रहा मेरा दूसरा कूलर, इस पर भी मैंने सेम टेक्निक इस्तेमाल किया है। अब हम पंप को डाल देते हैं अंदर और मटके को रख देते हैं सीधा। देखिए रात में मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया है। ये रहा पूरा सेटअप। अब चलिए फाइनली पानी भर के देखते हैं। देखिए मटके के अंदर भी पानी अच्छे से भर चुका है, वो उसी छेद से ही घुस के भरा है। आपको ध्यान देना है कि आपको मटके में पानी नहीं डालना है, आपको कूलर के टंकी में पानी भरना है, फिर वो रिस के मटके में जाएगा, तो इसी प्रोसेस से जो है मटके के अंदर का पानी ठंडा रहेगा। अब चलिए कर लेते हैं प्रैक्टिकल। ये कूलर का स्विच है जिसको मैंने बाहर एक्सटेंड किया है साथ में एक रेगुलेटर लगा के। तो अभी तो मौसम ठंडा ही है तो पता नहीं चल रहा है कि ये टेक्निक कितना कारगर है, पर इससे फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। बाय बाय।